हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे हम मैक्सिमम 10 फोटो एक साथ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन कभी कभी हमें रियलाइज होता है कि नहीं भाई, ये 10 फोटो में से एक बीच वाली फ़ोटो है जो कि इस जगह पे नहीं पोस्ट होनी चाहिए, इसको यहाँ से हटाना चाहिए, ये गलत यहाँ पे पोस्ट हो गई है। तो ऐसे में जब हम डिलीट करते हैं तो हमें वो 10 की 10 फोटो या फिर मिनिमम 6-7 फोटो जो भी हम लोग पोस्ट करते हैं उनको डिलीट करना पड़ता है। हम एक सिंगल फ़ोटो वहाँ से डिलीट नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कैसे आप जो है एक सिंगल फ़ोटो अपना जो भी अपलोड किया है उसमें से कैसे डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप लोगों को इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा और वीडियो को जो है लाइक कर देना है, क्योंकि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखोगे और भूल जाओगे और वीडियो को लाइक नहीं करोगे। तो अभी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इधर साइड में देखिए कि 99% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोज पे आते हैं, वीडियोज को देखते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और चले जाते हैं। ना तो वो वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हैं। तो भाई, अगर आप मेरी वीडियोज पे आते हो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो मतलब आपकी हेल्प होती है, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप भी थोड़ी सी उधर से हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि अगर आपको ये चैनल पे हेल्पफुल वीडियोस मिलती हैं और बार बार आते हो, देखते हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसमें आपको कुछ चार्ज नहीं लगने वाला, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए, अब चलते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पे और मैं बताने वाला हूँ कैसे आप जो है सिंगल फोटोज़ को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आगे चल के अभी कुछ एक दो दिन बाद इस पे जो है तहलका आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस पे ही काम कर रहा हूँ, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो देख लेता हूँ जिसपे मैंने मल्टीपल फ़ोटोज यहाँ पे डाली हुई हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे मैंने 6 फ़ोटो डाल के रखी हुई, आप इधर देख सकते हो साइड में, यहाँ पे मैंने इस तरीके की 6 फ़ोटो डाल के रखी। अब मुझे यहाँ पे सिंगल एक फ़ोटो को डिलीट करनी है। चलिए, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मुझे ट्विटर वाला डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं आ जाऊँगा एडिट वाले ऑप्शन पे। एडिट वाले ऑप्शन पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारी फ़ोटोज आ रही हैं, ठीक है। लेकिन आपको इधर साइड में एक आइकन दिख रहा होगा जो कि डिलीट का होगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है किसी भी सिंगल एक फ़ोटो को डिलीट कर सकते हो। अगर ये अपडेट अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लीजिए और 1 से 2 दिन का वेट कर लीजिए, आपको भी ये फीचर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। एडिट में जाकर इसको ऐसे डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ जाता है यू शैल बी एबल टू रिस्टोर दिस मीडिया फ्रॉम सेटिंग अकाउंट रिसेंटली डिलीटेड विद इन 30 डेज। मतलब ये जो है मेरा जो है रिस्टोर अकाउंट में चला जाएगा, अगर मैं वहाँ से चाहूँ तो 30 डेज के अंदर इसको मैं दोबारा यहाँ पर रिस्टोर कर सकता हूँ, नहीं तो 30 डेज के बाद ये पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। तो ये तो सभी फोटोज में होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे डिलीट कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं मेरे पास कितनी फ़ोटोज बची हैं और मैं यहाँ से ऐसे इसको राइट कर देता हूँ। ये बता रहा है कि अभी सेव नहीं हुआ है, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। और मैं इसको ऐसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे अब आते हैं देखते हैं कि 6 फ़ोटो थी, 6 से क्या हुआ है। ये थोड़ा सा हाँ देखते हैं, हाँ ये देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 5 फोटोज हो गए। मैं दिखा देता हूँ, पहले गूगल का हो गया, फेसबुक का हो गया, यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, और यहाँ से ट्विटर वाला गायब हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से मैं 1-2 और फोटो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो सिंपली आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे डिलीट करना। आपके मल्टीपल फोटो जहाँ पर भी है वहाँ पे आपको जाना है, 3 डॉट पे जाना है, एडिट के ऑप्शन में जाना है, देन उसके बाद आप एक सिंगल फोटोज को डिलीट कर सकते हो। तो कुछ ये नया वाला अपडेट है, अभी आपको नहीं मिला तो घबराने की कोई बात नहीं, 1 से 2 दिन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आपके अकाउंट पर। क्योंकि ये फीचर जो है मेरा अभी जो है एक ही अकाउंट पे मिला है, अभी दूसरे अकाउंट पे मुझे देखने को नहीं मिला है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जैसा कि हर एक वीडियोज में होता है। लेकिन आप लोगों ने अभी तक ना ही वीडियो को लाइक किया होगा, ना ही इस पर कमेंट करके कुछ अपने मतलब थॉट्स दिए होंगे, और ना ही अपने दोस्तों में शेयर किया होगा, और ना ही चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा, ना बेल आइकन दबाया होगा। मैं जानता हूं क्योंकि आप लोग यहां पे आते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वीडियोज को देखते हो और चले जाते हो। भाई अगर आपको कुछ यहां से फ़ायदा मिलता है तो थोड़ी सी हेल्प आप कर सकते हो। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही साथ इस पर नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर
शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए मतलब अपडेट के साथ, और साथ ही साथ अब टेक से रिलेटेड और भी चीज़ें इस चैनल पे आने वाली हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम चेंज कर दिया है, हाई टेक्सू कर दिया है। अब इस पर मैं नई नई चीज़ें जो टेक से रिलेटेड होती है, जैसे यूट्यूब वगैरह ये सब कुछ है, उनसे भी रिलेटेड यहाँ पर मैं चीज़ें अब देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय।